दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। आप भी अपनी परेशानियों से लड़ना सीख जाओगे। बस शर्त ये है कि आपको इस कहानी को थोड़ा ध्यान से और लास्ट तक सुनना पड़ेगा। तो कहानी है एक हिरण की। एक बार एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी, भटक रही थी इधर से उधर। बहुत प्यास लगी थी उस हिरण को। बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। इधर उधर भटकने के बाद पानी न मिलने पर हिरन थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक से उसके कानों में एक हल्की सी किसी नदी के बहने की आवाज सुनाई देती है। तभी हिरन उठ खड़ी होती है और धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगी। कुछ दूर चलने के बाद हिरन को एक विशाल गहरी नदी दिखाई देती है, जिसे देख कर हिरन बहुत खुश हो जाती है, जैसे मानो कि उसे दोबारा से नई जिंदगी मिल गई। वो फौरन दौड़ती हुई उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है, तभी उसकी नज़र अपने राइट पर पड़ती है। वो जैसे ही अपने राइट में देखती है तो उसे शिकारी नजर आता है, जो उसे मारने के लिए निशाना तान कर हाथ में तीर लिए खड़ा था। फिर हिरन अपने लेफ्ट में देखती है तो उसे एक शेर नजर आता है। फिर हिरन पानी पानी सब भूल जाती है। अब कुछ भी नहीं रहता उसके दिमाग में, प्यास वगैरह। फिर हिरन अपने पीछे मुड़कर देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखती है, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन सोच में पड़ गई कि करे तो करे क्या, चारों तरफ मौत नजर आ रही थी। हिरन के पास वक्त बहुत कम था ये सोचने के लिए कि कैसे बचा जाए इन हालातों से। हिरन प्यास की वजह से पहले ही अधमरी हो चुकी थी। वो ये भी समझ चुकी थी कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन हिरन ने फिर भी हार नहीं मानी। ना जाने अब भी कौन सी सोच उसकी उम्मीदों को टूटने नहीं दे रही थी। हिरन ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पलों के लिए हिरन सब भूल गई। हिरन समझ गई कि अब जब मरना ही है तो क्यों ना प्यास बुझाकर ही मरूं। हिरन सब कुछ भूलकर पानी पीने लगी। वहीं दूर से आते काले बादलों ने बरसना शुरू कर दिया, जिस वजह से शिकारी की आंखों में बारिश के छींटे पड़ गए। निशाना चूक गया, जो हिरन की बजाय शेर को छू जाता है। अब शेर हिरन की बजाय उस शिकारी के पीछे दौड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ बारिश के पानी से जंगल की सारी आग भी बुझ चुकी थी। इधर हिरन ने जब प्यास बुझाकर बाएं देखा तो शेर वहाँ नहीं था, फिर दाएं देखा तो शिकारी भी नहीं था, पीछे देखा तो आग भी बुझ चुकी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी प्रॉब्लम आती नहीं है, मगर जब आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी इन प्रॉब्लम से। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? आपको ना ही डरना है और ना ही घबराना है, बस शांति से दो मिनट के लिए सोचना है। हिरण के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे, या तो वो इधर से उधर भाग सकती थी या पानी में छलांग लगा सकती थी, लेकिन उसने शांति से सोचा और वो अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी और वो पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी ही दूर पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखना शुरू हो जाती हैं। घर की प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको ना ही घबराना है और ना ही डरना है, बस आपको अपने काम पर बने रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो ये मत सोचना कि ये दुनिया क्या कहेगी, कुछ कर गए तो ये दुनिया तुम्हें देखेगी।